भाई तो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ? ऊपर से पहनो, नीचे से पहनो, ओवर खट्टा है क्या? ये सिप लाइन है, इसको निकाल कर फेंक दीजिए। अजीब सी स्मेल है, मजा आ रहा है, बहुत खट्टा है ये। दोखलापन है, दोखलापन। हेलो बडीज, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शार्क टैंक्स के कुछ प्रोडक्ट्स को। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे, तो सबको आज रिव्यू करने वाले हैं। शुरू करें? यस। चलो पहला प्रोडक्ट लाए जाए। नेवल फुकाई, द बेली बटन शेपर लिखा हमारा बेली मैन। तो ये प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, मुझे याद है वो एपिसोड से, कि आप अपने बेली को शेप दे सकते हैं ना। चाहिए मतलब इसका कहना है कि अगर आपको पिक्चर में काम करना है और आपको अपना पेट दिखानी है, यानी कि मुझे वो संकेत तो मेनू दिखानी है। इसका सबसे पहले बताओ प्राइस क्या था? तो इसका प्राइस है 649 रुपीज। तो दिखा अंदर क्या, मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं खोल के। ओके, तो पहले खोल के है, इसमें आपको मिलता है हैंड सैनिटाइजर। लुब्रिकेंट लिखा है, वो गौरिया ऑयल है। ये गौरिया ऑयल, गौरिया यार, ये तो बहुत ऑयल है ना यार, ये मेरे को चाहिए, मेरी मम्मी को चाहिए ना इसे। अरे ऐसे मत दे, कुछ भी रहेगा वो। कुछ भी रहेगा वो, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ऑयल चाहिए मेरी। नहीं, मुंह बंद रख अपना। तो ये उसी काम का होगा ना, ये क्या है? मैं सारी चीजें सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ बॉक्स के अंदर था क्या और ये कैसे यूज कर रहा है, वो तो बता। चलो अभी डेमो ही दिखाते हैं। हाँ। यार मैं क्यों बकरा बनूंगा, मैं क्यों बनूंगा यार? डेमो के लिए मैंने उमेश को बकरा बनाया, बट मैं अभी बताता हूँ इसके अंदर है क्या। बहुत सोचने के बाद हमें पता चला है कि सबसे पहले आपको सैनिटाइजर है। हाँ। ये चलेगा ना? सैनिटाइजर है, उससे पहले अपनी बेली साफ करनी है। तो ये क्योंकि उमेश ने अभी बचपन से कभी साफ नहीं किए, तो पहले साफ कर रहा है। मजा रहा है और क्या रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी उसके अंदर तेल लगाना है। तो अभी ये है कोई तो ऑयल। हाँ। जो हम फिर से ये लेके यार, मेरे को घर के लिए चाहिए था वो ऑयल। अबे इतना क्या तेल लगा रहा है, नहाने का नहीं है तेल से? तुझे पता नहीं है प्रोसेस? ओह सेकंड, मजा आ रहा है। ये क्या है? ये होने के बाद यहाँ पर ना बेली के अंदर डालने के लिए शेपर दिया है। तीन 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 साइजेस के शेपर है और यहाँ पे एक रिंग भी दी है जिसको आप लगाकर स्ट्रेच करेंगे ऐसा। अच्छा ऐसा डाल के फिर अंदर घुसे? अरे वो तो डाल। और इसको ना एक्चुअली टेप लगाना होता है। यहाँ पे ऐसा टेप लगाना था। गाइस रुकिए, फिर मैं टेप लगा के आपको एक साल बाद मिलता हूँ कि मेरे बेली का शेप क्या हुआ है। 1 year later। तो गाइस मैं एक साल तक ऐसे पकड़ के रुका हुआ था और अब 1 year later अभी इसको निकालते हैं और चेक करते हैं बेली का शेप। ये कर तक देखा आपने? गाइस मेरा बेली इतना बड़ा हो चुका है कि मैं खाना यहाँ से बेली के यहीं से घुसाऊंगा। इसका बेली शेपर वो डीप नहीं करते, बड़ा नहीं करते। तो ये प्रोडक्ट एकदम वेस्ट, आपके 650 रुपए बर्बाद पानी में। तो उमेश के बेली को शेप देने के बाद नेवल फुकाई को हम 5 में से देते हैं -100 marks। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गर्मी का सीजन आ रहा है और उसमें ये आइस पॉप। हम जब छोटे थे इसको पेप्सी कोला, पेप्सी कोला ही है, ऐसे बचपन ऐसे पीते थे। तो ये होता कैसे बेसिकली, पहले जब आप इसको खरीदोगे ना तो पहले तो ये दिखा देते हैं। बहुत सारी है हमारे पास, बहुत सारी है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, ऐसे नॉर्मल आता है। आपको इसको फ्रीज करना है और ये फ्रीज होने के बाद हमारा पेप्सी कोला रेडी, ऐसा कड़क हो जाता है ऐसा। तो चलो अभी ये सारे फ्लेवर्स को टेस्ट करके देखते हैं। ढेर सारे फ्लेवर है, सभी ट्राई करके सब ट्राई करते हैं। पहले ट्राई करेंगे मैंगो। ओ वाओ, यहां पर ढेर सारे फ्लेवर है, मैं लूंगी बबल गम। वाओ, अक्षदा ने लिया है बबल गम। प्रीति तू कौन से लेगी? हां मैं ये लूंगी लेमन, लेमन लेमन फ्लेवर्ड आइस पॉप। लेमन फ्लेवर, ये कौन सा? मेरे पास है रास्पबेरी। चलो तो ये आती कैसे? आपको लिक्विड में आती है, खुद ही फ्रीजर में रख के सॉलिड करनी होती है। ओके, तो हमने रखी थी, अभी देखते हैं। थोड़ा ना एक्चुअली ये मतलब हाइजीनिक भी है। हाँ। यहाँ पे लिखा है पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी और इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो सब लोग अभी यहाँ टेस्ट करके बताएंगे अपना अपना फ्लेवर क्या है और कैसा लग रहा है।
एक्चुअली बचपन की वो याद याद आ गई ना, पहला टेस्ट करके तो मेरे पास था रास्पबेरी फ्लेवर। कैसा है? रास्पबेरी कभी खाई नहीं है मैंने तो मुझे, बट अच्छा टेस्ट है। उमेश के पास क्या था? कोला। कोला जो बचपन कोला को बचपन में जो खाते थे ना। मेरे पास है बबल गम। देखा बबल गम कैसा है? चिंगम खा रहे हो? चिंगम एक्चुअली मेरे पास है लेमन और ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर। वेरी नाइस यार। एक एक फ्लेवर बचता है मैंगो। रुको मैंगो भी करेंगे। मैंगो मुझे लगता है कौन? रसना। ओ रसना। तो ये लोग जब शार्क टैंक पे आए थे ना, इन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो आइस है ना वो एकदम सॉफ्ट आइस है। हां तो बोला था वो ट्रू है, एकदम सॉफ्ट आइस है। बहुत ही मस्त प्रोडक्ट। 5 में से कितना? 5 में से 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट कपड़े। कपड़े आए हैं। कपड़े क्या ये? ओ क्या ये? इट्स अ 2-in-1। 2-in-1 मतलब? 2-in-1 मतलब समझ गई। 2-in-1 ड्रेस। अच्छा वो 2-in-1 मतलब ऊपर से पहनो नीचे से पहनो फर्क ही नहीं पड़ता, चड्डी की जरूरत ही नहीं। तो टी शर्ट पहना ना तो नीचे से ही पहन लेगा, अगले दिन तो नीचे पैंट पहनो ऊपर ही पहनो। ये ऊपर नीचे वाला नहीं है कॉम्बिनेशन, ये अंदर बाहर वाला है। ये अंदर बाहर वाला समझा नहीं। मतलब आप एक दिन ऐसे पहनो और एक दिन उल्टा पहनो, हम लड़के कच्चे ऐसे बन गए। ये कंसेप्ट इन्होंने आज बेचना शुरू किया है, हम तो पहले जमाने से यूज करते हैं। हम बॉयज क्या करते हैं, कच्चा आज ऐसा पहनते हैं फिर उल्टा करके पहनते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे तो वो अंदर पहनते ना तो ये बाहर पहन सकते, और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो। मतलब आप एक ड्रेस खरीदो और उसके आप 3-4 कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऐसा इनका दावा है। तो क्या क्या है पहले बताओ, पहन के दिखाओ कैसे। चलो देखो मैंने पहन दिया। अरे इसका दूसरा ड्रेस कैसे होता? और ये थोड़ी पहन के आते, वो ड्रेस तो कुछ अलग था। अबे तू निकाल क्यों रही है? ओ ये एक ड्रेस, और एक्चुअली जो मैंने पहना था वो एक ड्रेस, ये एक ड्रेस, और आप लोग ये ऐसे भी पहन सकते हो। 3-in-1 हो गया। बहुत अच्छा है यार। 5,000 रुपए का है। 5,000 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो इसको 5 में से कितने स्टार मिले? अगर इसकी प्राइस अगर कम हो जाए ना तो ये 5 out of 5 हो जाएगा, लेकिन प्राइस की वजह से ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट लाओ। ये क्या है? सिपलाइन। अल्टीमेट इंसल्ट ऑन शार्क टैंक वाला प्रोडक्ट। क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ, क्या कर रहा है यार तू? तो ये क्या है, पहले हम ये दिखाते हैं, ये हम बाद में दिखाएंगे। तो एक बॉक्स में मिलता है आपको एक सिपलाइन ये, और उसके साथ ना ये एक टिश्यू भी रहती है। आपको शायद पता होगा पानी में डालने के बाद ये टिश्यू ऐसे ऊपर आता है। नहीं पता है तो हम करके दिखाएंगे, सभी कुछ होता है। पर ये प्रोडक्ट जब शार्क टैंक पे आया था इसकी इतनी बेइज्जती थी, क्योंकि ये एक्चुअली सिर्फ आपको ग्लास के ऊपर रखना होता है, जो आपको कोई दूसरे का ग्लास से पानी अगर पीना आपको झूठा किसी का पानी नहीं पीना है तो करना पहले देख ले ग्लास लेके। तो हमने ना यहाँ पे अलग अलग शेप के ग्लासेस मंगाए, क्योंकि आपको बाहर कौन से भी शेप के ग्लास मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं अक्षदा संकेत नॉर्मल ऐसे ही पियेंगे विदाउट सिपलाइन, और उमेश सिपलाइन लगा के पिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अनहाइजीन नहीं हूँ, मैं जिपलाइन यूज करूंगा, समझे? इसकी बोली शक्ल तो देखो, इसको लग रहा राइट बोला इसने, जिपलाइन नहीं सिपलाइन। जिपलाइन तेरा ग्लास है अक्षरा, ये ले ले तू पी ले। तुमने इसमें हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं, मैंने पैर लगाया इसे। पैर लगाया? आई विल ड्रिंक वाटर। और मैं लगाऊं, क्योंकि मैं अपने इसमें सिपलाइन ये करूंगा। ठीक है, चलो हम तीनों पीते हैं, उमेश सिपलाइन लगाएगा। चलो चीयर्स करो मित्रों। चीयर्स करो। हम नॉर्मल से पियेंगे, देखते हैं हम बीमार पड़ रहे हैं। चीयर्स। ये अच्छा प्रोडक्ट है। सुनो, सब जूस पी रहे हैं और मैं बैठ के अपना पानी पी के सांप गोली को बड़ा कर रहा हूँ। इतना फालतू प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इससे ये साफ करूंगा। पार्टी खत्म हो जाएगी ना।
और अपने ग्लास पे लगाऊंगा जिस पे ये लग नहीं रहा है। नहीं लगा के संगे पीके दिखा ना यार, पीके दिखा, पीके नहीं दिखा, पीके नहीं दिखा, पीके दिखा। प्रीति का ग्लास है, मैं पी रहा हूँ। कैसा टेस्ट आ रहा है पानी का? अच्छा हो गया पानी। पानी, अच्छा। पानी का जो बढ़िया टेस्ट आ रहा ना सिपलाइन की वजह से, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज ये सिपलाइन है, इसको निकाल कर फेंक दीजिए। सिपलाइन प्रोडक्ट को मिलते हैं मुक्के और लास्ट में तो उसको माइनस भी नहीं देना चाहता। केरला बनाना चिप्स, केरला बनाना दूसरा भी है, तीसरा भी है। अबे 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 ये मारने का, मारने का नहीं है यार। गाइस ये है केरला बनाना चिप्स, बियॉन्ड स्नैक्स के। तो इसमें जो भी फ्लेवर अवेलेबल है हमने सारे मंगवा लिए। ये जब चिप्स वाला शार्क टैंक पे आया था ना, तो उसने क्या क्लेम किया था कि इसके चिप्स है, थिनेस चिप्स ऑफ बनाना और हाइजीनिक है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको नॉर्मल प्लास्टिक के थैली में वो मिलते हैं, तो ये बहुत हाइजीनिक है। और यहाँ इसमें जो तेल भी यूज होता है, कोकोनट ऑयल यूज होता है। तो यहाँ पे पूरा पार्टी चल रहा है गाइस, सारे फ्लेवर अच्छे लग रहे हैं, हम खाने में बिजी है। तो ये पूरा खत्म करके फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later, बियॉन्ड स्नैक्स को हम दे रहे हैं 4 out of 5। नेक्स्ट प्रोडक्ट, वाओ ये क्या खाने की चीज, पैकिंग तो अच्छी लग रही है। इसमें क्या फिर से चिप्स है क्या? नहीं, ये बमर है, बमर बमर। ये प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, शायद तुम दोनों के लिए है। बमर इट्स अ अंडरगारमेंट प्रोडक्ट। पलट तेरा ध्यान किधर है चड्डी वाले, इधर है। ओह याद आया, लोगों के अंडरवेयर इसमें और भी कुछ है, अंडरवेयर। तो ये है गाइस चड्डियां। अरे उमेश की चड्डी के ऊपर है रॉकेट, बाप रॉकेट और प्लैनेट बहुत अच्छी है। काम कर रहे हैं इसे, जरा पहन। अरे पहन के छोड़, प्राइस कितना हो तो बता। 800 रुपीज सब टैक्स वैक्स मिला के। 800 रुपए कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा। क्या कर रहे हैं? हो गया 800 रुपए में। नहीं भाई, इंडिया में रूल है, फट जाएगी वो। 800 रुपए का कपड़ा जब लेते हैं ना, तो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। तो कभी मैं ऐसा पहनूंगा, नीचे भी पहनेगा ऊपर भी पहने। तुमने बोला और हम पहन के आ गए। ये बॉक्सर ऐसे पहनते हैं, ये पैंट के ऊपर बॉक्सर कैसे पहनना होता है? वो पैंट निकालो और फिर दिखाओ। तो ये रही हमारी चड्डी। तो उमेश ये चड्डी पहन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी चड्डी है, बहुत अच्छी। तो अभी इतना कंफर्टेबल है, इतना स्ट्रेचेबल है ये कि हम अभी कबड्डी खेलने वाले। कबड्डी चलो खेले, कबड्डी। बमर की चड्डी पहन के ये तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील है। बस प्राइस ज्यादा है बाकी। तो इसको 5 में से कितने स्टार मिलेंगे? 4। प्राइस के लिए 1 स्टार। नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए हमें। उसने कहा कि हम ना जैक फ्रूट, यानी उसको क्या बोलते हैं, कटल, 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 उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसमें बहुत सारे कटल से नॉनवेज लगने वाला, मतलब ये उनके लिए वेज खाना है जो नॉनवेज जैसा टेस्ट करता है, एकदम परफेक्ट। मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है। सब अनपैक कर लिया है, सब दिख तो सेम रहा है। अभी एक काम करते हैं, एक को हमें फ्रैंकी बनाना है, एक को बटर चिकन जैसे बनाना है, और एक को बर्गर, बर्गर के अंदर डाल के खाना है। तो करके देखे, थोड़ा एक यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि हमने स्मेल ली इसकी और बहुत ही अजीब सी स्मेल है। तो पहले अच्छा टेस्ट करते हैं। तो हमने तीनों चीजें रखी है यहाँ पे, रोटी बनेगी यहाँ और यहाँ पर बटर चिकन जैसे राइस के साथ और बर्गर भी है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम बर्गर के अंदर डालेंगे। तो चलो फिर पहले मैं ये खाऊंगा। चलो, मैं चाह रहा हूँ फ्रैंकी और मैं बताएगा कैसा है। ऐसा लग रहा है आलू लिया है, रोटी लिया है और इसमें बहुत सारा सॉस डाल दिया, हद से ज्यादा, मतलब इतनी उसमें पूरा बॉटल सॉस डाल दिया, ओवर सॉस है क्या? ओवर खट्टा एकदम खट्टा है। संगे तू ही बता, फिर मैं गाइस आपको दिखाता हूँ। ये मीट जैसा फीलिंग आ रहा, देख के तो लग रहा मीट जैसा है। चलो टेस्ट करते हैं। थोड़ा टैंगी है और जो चीज उन्होंने बताई थी कि ये मीट जैसा लगता है। तो अभी क्या है, अभी और वेजिटेरियन 5 में से 1
कट्टा है ये, दोगलापन है, कट्टा है ये, दोगलापन है, दोगलापन है। इसको अच्छा बोला गया था पर ये अच्छा है नहीं। तो बॉडीज कुछ प्रोडक्ट है हिट, कुछ थे डेफिनेटली फ्लॉप। जो हिट प्रोडक्ट है वो जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट टू बनाएंगे नहीं, ये भी हमको बना। सजेशन दो कौन से और करे। और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। तुमको भी चाहिए एक जिप लाइन? नहीं नहीं तेरा तू ही एंजॉय कर उसके साथ। आज ना हम लोग बाहर जाएंगे ना खाना खाने के लिए, तो लेके आना। यस, तू चम्मच पे भी जिप लाइन लगाना तेरा।